أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। तर्जुमा सूरह बकरह 34वां रुकू। ए ईमान वालो, अल्लाह की राह में हमारे दिए में से खर्च करो वह दिन आने से पहले जिसमें न खरीद फरोख्त क्रय विक्रय है, न काफिरों के लिए दोस्ती और न शफात सिफारिश, और काफिर खुद ही जालिम है। अल्लाह है जिसके सिवा कोई महबूद नहीं, वह आप जिंदा औरों का कायम रखने वाला, उसे न ऊंघाए न नींद, उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में। वह कौन है जो उसके यहाँ सिफारिश करे बे उसके हुक्म के, जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे, और वो नहीं पाते उसके इल्म में से मगर जितना वह चाहे। उसकी कुर्सी में समाए हुए है आसमान और जमीन, और उसे भारी नहीं उनकी निगहबानी, और वही है बुलंद बड़ाई वाला। कुछ जबरदस्ती नहीं, दीन में बेशक खूब जुदा हो गई है नेक राह गुमराही से। तो जो शैतान को न माने और अल्लाह पर ईमान लाए, उसने बड़ी मजबूत गिरह थामी जिसे कभी खुलना नहीं, और अल्लाह सुनता जानता है। अल्लाह वाली है मुसलमानों का, उन्हें अंधेरियों से नूर की तरफ निकालता है, और काफिरों के हिमायती शैतान है वो उन्हें नूर से अंधेरियों की तरफ निकालते हैं। यही लोग दोजख वाले हैं, उन्हें हमेशा उसमें रहना। तफसीर सूरह बकरह 34वां रुकू। कि उन्होंने दुनिया की जिंदगानी में हाजत के दिन यानी कयामत के लिए कुछ न किया, इसमें अल्लाह ताला की उलूहियत और उसके एक होने का बयान है। इस आयत को आयतल कुर्सी कहते हैं। हदीसों में इसकी बहुत सी फजीलत आई है, यानी वाजिबुल वजूद और आलम का ईजाद करने वाला और तदबीर फरमाने वाला, क्योंकि यह दोष है और वह दोष और ऐब से पाक है। इसमें उसकी मालिकियत और हुक्म के लागू करने की शक्ति का बयान है।
और बहुत ही सुंदर अंदाज में शिर्क का रद्द है कि जब सारी दुनिया उसकी मिल्क है तो शरीक कौन हो सकता है। मुशरिक या तो सितारों को पूजते हैं जो आसमानों में हैं, या दरियाओं, पहाड़ों, पत्थरों और दरख्तों और जानवरों वगैरह को कि जो जमीन में हैं। जब आसमान और जमीन की हर चीज अल्लाह की मिल्क है तो ये कैसे पूजने के काबिल हो सकते हैं। इसमें मुशरिकों का रद्द है जिनका गुमान था कि मूर्तियां सिफारिश करेंगी। उन्हें बता दिया गया कि काफिरों के लिए सिफारिश या शफात नहीं। अल्लाह के दरबार से जिन्हें इसकी इजाजत मिली है उनके सिवा कोई शफात नहीं कर सकता, और इजाजत वाले नबी फरिश्ते और ईमान वाले हैं, यानी गुजरे हुए या आगे आने वाले दुनिया और आखिरत के का, और जिनको वह मुत्तला फरमाए वो नबी और रसूल हैं, जिनको गैब पर सूचित फरमाना उनकी नबुव्वत का प्रमाण है। दूसरी आयत में इरशाद फरमाया ला युझेरो अला गैबिही अहदन इल्ला मनिर्तदा मिर रसूलिन, यानी अपने गैब पर किसी को मुत्तला नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। खाजिन, इसमें उसकी शान की अजमत का इजहार है। और कुर्सी से या इल्म और क्षमता मुराद है, या अर्श या वह जो अर्श के नीचे और सातों आसमानों के ऊपर है, और मुमकिन है कि यह वही हो जो फलकुल बुरूज के नाम से मशहूर है। इस आयत में इलाहियात के ऊंचे मसायल का बयान है, और इससे साबित है कि अल्लाह ताला मौजूद है, अपने अल्लाह होने में एक है, हयात यानी जिंदगी के साथ मुत्तसिफ है, वाजिबुल वजूद अपने मासिवा का मूजिद है, तगैर हुलूल से मुनज्जा और तब्दीली व खराबी से पाक है, न किसी को उससे मुशाबिहत न मखलूक के अवारिज को उस तक रसाई, मुल्को मलकूत का मालिक उसूलो फर का मुकदे, कभी गिरफ्त वाला, जिसके हुजूर सिवाय माजून के कोई शफात नहीं कर सकता, सारी चीजों का जानने वाला, जाहिर का भी और छुपी का भी, कुल का भी और कुछ का भी, उसका मुल्क वसीय और कुदरत लामहदूद, समझ और सोच से ऊपर। अल्लाह की सिफात के बाद ला इकराहा फिर दीन, कुछ जबरदस्ती नहीं दीन में फरमाने में यह राज है कि अब समझ वाले के लिए सच्चाई कबूल करने में हिचकिचाहट की कोई वजह बाकी न रही। इसमें इशारा है कि काफिर के लिए पहले अपने कुफ्र से तौबा और बेजारी जरूरी है, उसके बाद ईमान लाना सही होता है। कुफ्र और गुमराही की रोशनी, ईमान और हिदायत की रोशना, और तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जवजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका एजारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे, और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।